तो उनको आज्ञा दी गई है, क्योंकि अथाकुंड कौन खोल रहा है? सरदूत खोल रहा है। अब सरदूत के पास क्या है? अथाकुंड खोलने की कुंजी है। अब ये अधिकार उसको परमेश्वर ने देकर भेजा है कि तू अथाकुंड को खोल और उसमें से उन टिड्डियों को निकलने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 9:1-2 पदों में हमने सीखा था कि जब 5वें सरदूत ने तुरही फूकी, तब एक सरदूत आता हुआ यूहन्ना को दिखाई देता है और अथाकुंड जो है वो खोला जाता है। अथाकुंड क्या है ये आपने पिछले संदेश में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 9:3 हम पढ़ लेते हैं। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई। अब यहां जो है आपने देखा होगा कि अथाकुंड जो है वो खोला गया। अब जब अथाकुंड खोला जाता तो उसमें से धुआं निकलता है, पिछले संदेश में आपने देखा। मगर यहां पर जो है इस धुएं के साथ में क्या निकल रही है? टिड्डियां निकल रही है। अब ये जो है बड़ी आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य की बात है? कि सब लोग जानते हैं कि जितने भी कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह जो होते हैं, वो जो है उनके लिए धुआं बड़ा हानिकारक होता है और वो धुएं में जो है वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा जब मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है कहीं पर और उसमें से शहद निकाला जाता है, तो बहुत से लोग उस मधुमक्खी को भगाने के लिए धुएं का प्रयोग करते हैं। मगर यहां पर धुएं के साथ टिड्डियों का निकलना, ये आश्चर्य, ये किस चीज को प्रकट करता है? अब यही तो परमेश्वर के भेद हैं जो हमें समझना है, कि सबसे पहले जो चीज है हमें टिड्डियों का अर्थ जो है वो समझना है। या टिड्डियों का अर्थ जो है, ये टिड्डियां का मतलब ये नहीं है, ये जो टिड्डियां आती हैं और फसल को नष्ट कर जाती हैं इनसे संबंध नहीं है। ये टिड्डियां जो है एक विशेष जाति को प्रकट करता है। जी हाँ, ये एक विशेष जाति है। इस बात को दिल दिमाग में बनाए रखें, क्योंकि अथाकुंड खोला गया है, और अथाकुंड कहां पर है? उस गहरे गड्ढे के नीचे है, भारी गड्ढे के नीचे है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको ग्रेट गल्फ कहा गया है। जी हाँ, खाड़ी जो कहा गया है, और खाड़ी देशों के बारे में भी हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। न्यायियों की किताब 6:5 में क्या लिखा है? क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। अब यहां जो है देखिए, यहां पर एक विशेष जाति की बात हो रही है कि बहुत से लोग जो है अनगिनत होते थे, उनके ऊंट और बहुत सी चीजें भी अनगिनत होती थी, यानी टिड्डियों के समान होते थे। आप देखा जब टिड्डियों का दल आता है उसमें लाखों लाखों टिड्डियां होती हैं, कोई गिन नहीं सकता। ऐसे ही जो मनुष्य होते हैं वो ऐसे आते हैं दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, जैसे टिड्डियां विनाश करने के लिए आती हैं। तो यहां पर जो कंपेयरिंग की गई है, जो तुलना की गई है, वो जो है मनुष्यों से की गई है। यहां पर टिड्डियों का जो है बाइबल में कुछ विशेष जातियों की तुलना जो है वो टिड्डियों के साथ की गई है। और जैसे टिड्डियां किसी देश को में प्रवेश करके उसकी समस्त फसल को या हरियाली को नष्ट कर देती हैं, ऐसे ही ये जो विशेष जाति है ये भी उन टिड्डियों के समान है जो देश को या किसी भी देश के लोगों को जो है नष्ट कर देते हैं। आप न्यायियों की पुस्तक 7:12, यिर्मयाह 46:23, गिनती 13:33, यिर्मयाह 51 उसका 14-27 को आप पढ़ सकते हैं। इनके बारे में क्या है ये जाति? अब इस जाति का जो मैं खुलासा कर रहा हूं उसको ध्यान करिएगा। ये विशेष जाति गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश। तो ये जो विशेष जाति है ये मुस्लिम जाति है, उसके बारे में इसका यहां पर जो है वर्णन दिया गया है। ये जो है टिड्डियों के समान है जो अनगिनत हैं। जब आप इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे, जिसका उदय जो है 7वीं शताब्दी में हुआ था
और ये जाति के लोग जो हैं अपने घराने के साथ रहना पसंद करते हैं। इनमें टिड्डियों के समान एकता होती है। एशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। दुनिया के 62% मुस्लिम एशिया में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो बाइबल है यूरोप और एशिया का खास तौर से, विशेष तौर से वर्णन करती है। तो इस बारे में जरा ध्यान रखिएगा। बाइबल के अनुसार जो है टिड्डियों के 4 दल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाइबल के अनुसार जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर मैं इस विशेष जाति के ऊपर आऊंगा। जब आप योएल 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे तो वहां पर 4 प्रकार के टिड्डियों के नाम दिए गए हैं। पहला गजानाम टिड्डी, ये सब कुछ चबा डालती है। दूसरा अरबे नामक टिड्डी, ये अनगिनत होती है। तीसरा येलेक नामक टिड्डी, ये टिड्डियां सब कुछ निगल जाती हैं। चौथा हासिल नामक टिड्डी, ये सब कुछ समाप्त कर देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। ये जो है ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं। जब हम इस विशेष जाति, इस मुस्लिम जाति की बात करते हैं तो इसमें भी जो है 4 प्रकार के जो समुदाय के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला सुन्नी, दूसरा सिया, तीसरा सूफी और चौथा अहमदिया जो है वो शब्द आया है। ये मुस्लिम समाज के विशेष विश्व में लगभग 56 देश हैं। ये सब संगठित होकर रहते हैं। इनके संगठन का नाम OIC है, अर्थात इस्लामी सहयोग संगठन, ध्यान दीजिए। यहां पर जो है ये विशेष जाति है वो उभर कर, वो जो है निकल कर आती है। जब पांचवें सरदूत ने तुर्री फूकी, जब पांचवां सरदूत जो है तुर्री फूकता है तो ये उसका वर्णन जो है वो दिया गया। अब होता क्या है आगे देखते हैं। अथाकुंड और बाहरी गड्ढा, ये सब आपने पढ़ा कि अथाकुंड जो है, मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं, पिछले संदेश में मैंने बता दिया था कि अथाकुंड वह जगह है जहां से निकलना असंभव है, और बाहरी गड्ढा द ग्रेट गल्फ, अर्थात इसको आप बड़ी खाड़ी में कह सकते हैं, या सबसे बड़ी खाड़ी का नाम भी आप कह सकते हैं, और सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। फारस को मिलाकर 8 खाड़ी देश है। फारस को मिलाकर जो है कौन कौन से हैं, फारस तो है ही, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन, ये जो हैं ये फारस की खाड़ी की सीमा से लगे हुए हैं। इनको खाड़ी देश अर्थात गल्फ कंट्री कहा जाता है। इस गल्फ कंट्री में से, उस भारी गड्ढे में से जिसके नीचे अथाकुंड है, निकलकर जो है वो आए हैं। ये एक बड़ा रहस्य की बात है, जिसको इसको आप सोचिएगा। उन्हें पृथ्वी के बिच्छियों की सी शक्ति दी गई है, टिड्डियों को, यानी शक्ति, उनका उनका जो झुंड है वही उनकी शक्ति है, और उनको शक्ति दी गई है, और उनका एक साथ रहना जो है इस बात पर, इस विशेष जाति पर जो है वो होता है कि इनके पीछे जो है उनके ही समाज के लोग, उनके ही जाति के लोगों का महत्व है और पावर है। इनकी यूनिटी जो है वो उसको दिखाती, और ये अनगिनत है, और ये बैक में अनगिनत लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, और ये निडर होते हैं। कोई डर जो है इनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। इस विशेष जाति को परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है। अब क्या मिली, मैं दूसरा इतिहास और 7 अध्याय उसका 13वां पद पढ़ाना चाहूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 13वां पद। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, अब ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं टिड्डियों को आज्ञा दूं, किस बात के लिए, विनाश करने के लिए। अब यहां प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में जब वो टिड्डियां जो हैं वो निकलती हैं तो उनको आज्ञा दी गई है, क्योंकि अथाकुंड कौन खोल रहा है, सरदूत खोल रहा है। अब सरदूत के पास क्या है, अथाकुंड खोलने की कुंजी है। अब ये अधिकार उसको परमेश्वर ने देकर भेजा है कि तू अथाकुंड को खोल और उसमें से उन टिड्डियों को निकलने की आज्ञा दे, कि वो निकले और क्या करें, उन मनुष्यों को क्या करें, पीड़ा पहुंचाएं। ध्यान देना, ये परमेश्वर की ओर से है कि उन मनुष्यों को क्या करें, पीड़ा पहुंचाएं। अब प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 4-6 पद तक जब आप पढ़ेंगे, 4-6 और 10 पद तक आप यहां पढ़ सकते हैं।
उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों की होती है। उन दिनों में से मनुष्य मृत्यु को ढूंढने गए और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। 10वां पद है, उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वे उनकी पूंछ में थी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस विशेष जाति को मनुष्यों को मार डालने की आज्ञा नहीं दी है, बल्कि उन्हें 5 महीने तक पीड़ा पहुंचाने की आज्ञा दी है कि उन्हें पीड़ा पहुंचाई जाए, और उस समय वो इतना उनको पीड़ित करेंगे कि लोग जो हैं उनसे बचने के लिए मृत्यु को ढूंढेंगे कि इस पीड़ा से अच्छा है कि हम मौत को गले लगा लें, इस पीड़ा से अच्छा है कि हम मर जाएं। और वो कौन लोग हैं? ये उन लोगों को पीड़ा पहुंचाने की दी गई है जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब एसेकेल 9:4 को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां परमेश्वर का वचन इस बात का वर्णन करता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू यरूशलेम के सारे लोगों को क्या कर, उनको छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको मार डाल, और उनको मार डालना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और सबसे पहले उस विनाश से आने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों के माथे पर मोहर लगाई अपनी। और यहां पर भी यही चीज है कि प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों के माथे पर मोहर लगा रखी है कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है उनका ही विनाश होगा, वही पीड़ा में पड़ेंगे और कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी वो पीड़ा में नहीं पड़ेंगे। ये 5 महीने तक का जो दिखाया गया कि 5 महीने तक उन्हें पीड़ा पहुंचाए, जब जलप्रलय आया था, जब आप उत्पत्ति 7:24 पढ़ेंगे, जब जलप्रलय आया पूरा इस पृथ्वी के ऊपर, तो 150 दिन तक जलप्रलय जो है वो भूमि के ऊपर जो है, पृथ्वी के ऊपर जो है प्रबल रहा। 150 दिन का मतलब क्या है? जब आप 30 दिन को 5 महीने से गुणा करेंगे तो 5 × 15 150 दिन आ जाएगा, यानी 5 बिल्कुल एक्यूरेट 5 महीने का समय, यानी 5 महीने तक जल प्रलय पृथ्वी के ऊपर प्रबल रहा। और यहां पर वही चीज जो है यहां प्रकट हो रही है, और लोग जो हैं उनसे बचने के लिए मृत्यु को ढूंढेंगे परंतु नहीं पाएंगे। जब आप इसका 8वां पद पढ़ेंगे, वहां लिखा उनके दांत सींगों कैसे हैं, दांत जैसे हैं। दांत सींगों का मतलब क्या होता है यहां? यानी वो अधिक मांस खाने वाले लोग हैं, और जैसे सींग यानी शेर जो है फाड़ डालता है, ऐसे ही वो फाड़ डालकर विनाश करने वाले लोग हैं, ये अधिक मांस खाने वाले लोग हैं, उसको प्रकट करता है। फिर लिखा हुआ है लोहे की झिलम पहने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? निडर है, किसी भी प्रकार का इनके अंदर डर नहीं है। पंखों का शब्द जो है, जब 9 पद को पढ़ेंगे तो लोहे की झिलम पहने और पंखों का शब्द जो है सुनाई दे रहा है। आपने देखा होगा जब बहुत सी बीमारियां और बहुत सी टिड्डियां आती हैं बहुत, और उनकी उड़ने की जो आवाज होती है वो अनगिनत होती है, इसलिए बहुत तेज आवाज होती है, तो इनकी जो है ये आवाज जो पंखों का शब्द सुनाई दे रहा है, यानी अनगिनत लोग हैं ये, इनकी कोई गिनती नहीं है। और जैसे इसके 11वें पद में है कि उनका जो राजा है, हैं उनका जो मुखिया है, ये बहुत सुख और शांति के साथ जो लोग रह रहे हैं उनको, उनके जीवन में जो है वो विनाश जो है वो उत्पन्न करेंगे। 12वां पद है, यहां लिखा है पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। जी हां, यहां ध्यान दीजिएगा, ये पहली विपत्ति है। अब पहली विपत्ति इतनी भयंकर है कि यहां मृत्यु ने 5 महीने तक, और वो ऐसी भयंकर पीड़ा होगी जिससे बचने के लिए लोग मृत्यु को गले लगाने की सोचेंगे और मृत्यु लगाने की, मृत्यु पाने की कोशिश भी करेंगे, परंतु वो मृत्यु उनको मिलेगी नहीं। उस पीड़ा के दौर से उन्हें गुजरने ही गुजरना पड़ेगा, और पूरे 5 महीने तक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे ताकि हमारे माथे पर परमेश्वर की मोहर लगे, और जब जो भी विपत्ति आए उस माथे की मोहर जो परमेश्वर की हमारे ऊपर लगी हुई है उसके द्वारा हम और आप बचाए जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।